अंधविश्वासों से संबंधित बड़ा समाचार बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है साथियों, यहां पर आपको बताना चाहेंगे कोर्ट केस का हवाला देकर अंधविश्वास शिक्षकों से विक्रम सिंह के नाम पर चंदा वसूलने का मामला सामने आया है और जिसमें नाम है हिमांशु वर्मा का। इन स्पष्टीकरण के लिए महानिदेशक शिक्षा से इन्हें लेटर प्राप्त हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधविश्वास न्यूज जो है आपके संघर्ष का साथी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये लेटर प्राप्त हुआ है। सामान्य साथी, आइए देखते हैं इसमें क्या मामला है। पूरे लेटर में कौन है वो जो विक्रम सिंह जी के नाम पर चंदा वसूली कर रहा है और महानिदेशक विषयक शिक्षा ने डायरेक्टली उसको स्पष्टीकरण मांगा एक हफ्ते के अंदर। विषय अंशकालिक अंधविश्वास की शिकायत के संबंध में महोदय कृपया प्रयुक्त विषयक हिमांशु वर्मा जनपद रायबरेली के पद दिनांक 13/3/2023 छाया प्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गोरखपुर में अंशकालिक अंधविश्वास पद पर कार्यरत शिक्षक अनुदेशक शिक्षक विक्रम सिंह के संबंध में कोर्ट केस के नाम पर अंशकालिक अनुदेशकों से चंदा वसूली का कतिपय प्रतिकूल तथ्यों की शिकायत की गई है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र के उल्लेखित तथ्यों की जांच कर निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की आख्या एक सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। भवदीय विजयकरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। तो साथियों, आप देख लीजिए किस तरीके से इन आशय का कृत सामने आ रहा है। अब ये जांच के बाद पता चलेगा क्या है पूरा मामला, इसमें क्या हिमांशु वर्मा दोषी पाए जाएंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी, शिकायत में दोषी पाए जाने पर क्या हिमांशु वर्मा की संविदा समाप्त होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि डायरेक्टली मैसेज इनको आया है, नोटिस आया है महानिदेशक विषयक शिक्षा से। साथियों, पूरा मामला विस्तारपूर्वक बताएंगे कि इसी चैनल पर यानी कि अंधविश्वास न्यूज़ पर हम बताएंगे पूरे मामले को। तब तक के लिए देखते रहिए अंधविश्वास न्यूज़ जो है आपके संघर्ष का साथी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।